हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करें जो रेडमी 10 मोबाइल है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो मैंने आज इस मोबाइल को अनबॉक्स किया है। सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग के अंदर आपको अबाउट फोन में आपको जाकर दिखाता हूँ कि इसमें डिवाइस नेम इसका रेडमी 10 है और ये MIUI 13 के ऊपर ये वर्क करता है। इसका जो वर्जन है वो 13.0.5 है और एंड्रॉइड वर्जन 11 के ऊपर ही वर्क करता है। इसका जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट है आप देख सकते हैं 1 मार्च 2022 का है। स्पेसिफिकेशन इसके बताया था आपको, 4 GB रैम है इसमें, 1 GB इसमें वर्चुअल रोम दी गई है, रैम दी गई है जो कि आपका जो स्टोरेज है उसमें से ही कवर करती है। इसमें जो CPU स्नैपड्रैगन 680 दिया गया है जो कि मैक्सिमम स्पीड 2.40 के ऊपर वर्क करता है। इसके बाद में इसमें जो सबसे बड़ी मेरे को खामी लगी है वो स्टोरेज की। इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है अगर आप ज़्यादा स्टोरेज का यूज करना चाहो तो, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज है वो 64 GB दिया गया है लेकिन आपको यूजेबल स्टोरेज है 40 GB मिलता है, जबकि अदर रेडमी के जितने भी डिवाइस में आपको 50-51 GB के तक आपको यूज करने के लिए स्टोरेज मिलता है। क्योंकि इसका जो सिस्टम का जो स्पेस जो स्टोरेज है कवर किया गया है, जो एंड्रॉयड ने कवर किया है वो 18 GB कवर कर रखा है इसमें, जबकि रेडमी के जितने भी मोबाइल हैं उसमें सब में 12 GB 13 GB 10 GB के करीब ही यूज किया गया है। इसके बाद में सेकंड इसका जो फीचर है उसके बारे में, जो सिम कार्ड है इसमें ड्यूल सिम सपोर्ट करता है इसमें, और एक मेमोरी कार्ड भी स्लॉट दिया गया है और दोनों ही सिम के अंदर आप 4G वोल्ट एक साथ यूज कर सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर जो नीचे जो आपको वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन के शेयरिंग में आपको दिखाता हूँ, सारे फीचर्स वही हैं जो रेडमी में अदर डिवाइस में दिए गए हैं सभी। क्रोमबुक का भी इसमें एक स्पेशल फीचर दिया गया, अगर आप क्रोमबुक यूज़ करते हैं गूगल की जो गूगल के बेस के ऊपर चलता है सिस्टम के ऊपर चलता है तो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में लॉक स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं इसमें रेस्ट वेक है जो कि अगर आप मोबाइल को जब अपने हाथ में लेते थे ऑटोमेटिकली स्क्रीन इसकी ऑन हो जाती है। डबल टैप का दिया गया है, वेक लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन दिए गए हैं और इसके अंदर ग्लेंस 4 MI इसके ऊपर आपके जो लॉक स्क्रीन उसके ऊपर आपके नोटिफिकेशंस वगैरह स्क्रीन वगैरह न्यूज़ वगैरह उसके ऊपर आपकी दिखाई देती रहेंगी। उसके बाद में डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आपके डिवाइस में लॉक इसमें जो एनिमेशन भी अदर डिवाइस की तरह इसमें के अंदर भी दिया गया है। उसके बाद डिस्प्ले की बात कर लें तो इसके अंदर ब्राइटनेस लेवल और रीडिंग मोड आई केयर का काम करता है दोनों ही दिया गया है, डार्क मोड भी इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद में जो साउंड और वाइब्रेशन है इसका जो साउंड क्वालिटी है बेहतर है, अच्छी है, मैंने ईयरफोन में सुनी है वो उसमें भी अच्छी है और वैसे भी अगर इसके लाउड स्पीकर की बात की जाए तो वो भी अच्छी है वॉइस है इसके अंदर। इसके बाद में नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल बार का देखा जाए तो इसके अंदर 2 प्रकार का दिया गया है, आप 2 तरीके से इसमें देख सकते हैं, एक ओल्ड वर्जन दिया गया है एक न्यू वर्जन दिया गया है। तो न्यू वर्जन का आप देख सकते हैं इस तरीके से, जब स्लाइड करते हैं नीचे की तरफ तो इस तरीके से आपके नोटिफिकेशन वगैरह दिखेंगे और पुराने वाले का इस तरीके से दिया गया है। इसके बाद में नीचे इसका जो स्टेटस बार है इसके अंदर जाके आप इसकी जो सो नोटिफिकेशन आइकन्स वगैरह, सो कनेक्शन स्पीड, सो कैरियर एंड डिवाइसेस लोड ये आप देख सकते हैं। अगर आपको आप नेट यूज कर रहे हैं उसके आपकी कनेक्शन स्पीड चाहिए उसका नोटिफिकेशन दिखना चाहिए मोबाइल के ऊपर बार में तो आप यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में बैक चलते हैं और होम स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं। होम स्क्रीन का आप देख सकते हैं लॉन्चर इसमें एक ही दिया गया है। होम स्क्रीन के अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर 2 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आप विद ऐप ड्रावर की तरह यूज करना चाहते हैं या नॉर्मली जो रेडमी के मोबाइल में आता था उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं क्लासिक के तरीके से। इसके बाद बैक आ जाते हैं, उसके बाद में जो स्क्रीन के अंदर जो हम स्लाइड करते हैं दाएं बाएं करते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस साइड में करते हैं तो यहाँ पर करने के बाद में उसके अंदर कुछ एड्स वगैरह आना शुरू हो जाए तो वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो गूगल डिस्कवर आता था उसको हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट है वो सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप किस तरीके से आप इस मोबाइल को यूज़ करना चाहते हो, जो नेविगेशन बटन के थ्रू यूज़ करना चाहते हो या गेस्चर के थ्रू यूज़ करना चाहते हो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आ सकते हैं फिल सेल इंस्टॉल ऐप लॉक होम स्क्रीन लेआउट आइकन साइज होम स्क्रीन लेआउट इसमें लॉक कर रखा है, इसमें 6 एप्लीकेशन वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं और 4x5 डिस्क के अंदर दिया गया है। इसके बाद अरेंज आइटम वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप कैच इन क्लियर करते हैं एप्लीकेशन को क्लियर करते हैं तो आप यहाँ से अरेंज आइटम रिसेंट, तो ये 2 तरीके से दिया गया है आपको, 4 एप्लीकेशन एक साथ दिखने वाला भी है और एक आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों एप्लीकेशन, और एक आपको मैं बताया था उसके अंदर जो ब्लर ऐप प्रीव्यू दिखता है क्योंकि कई बार हम गैलरी यूज़ करते हैं, गैलरी की हम फोटो देखते रहते हैं, उसके बाद दूसरे एप्लीकेशन जब हम उसको जो इस वाले बटन को टैप करके जो देखते हैं इस तरीके से तो उसमें क्या है गैलरी आपको फोटो नहीं दिखती हैं,
उसमें हाइट दिखता, तो आप यहाँ से ब्लर दिखता है, तो यहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है फीचर, उसका हम दिखाता हूँ, वॉलपेपर वगैरह का इसमें ऑप्शन दिया गया है। वॉलपेपर वगैरह आप यहाँ प्रोफाइल में जाने के बाद में यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी वॉलपेपर अच्छे दिए गए हैं इस वर्जन के अंदर, तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। थीम है इसके अंदर वही दो थीम दी गई हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर रिंगटोन वगैरह यहाँ पर दी गई, फॉन्ट आपको एक ही प्रकार का दिया गया है, तो ये भी इसके अंदर अच्छे फीचर्स हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो MI UI 13 है वो MI UI 12.5 से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी लगभग सेम है। इसमें पासवर्ड सिक्योरिटी का ऑप्शन है इसमें दिया गया है, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको अवेलेबल है, तो और फेस लॉक इसके अंदर अवेलेबल है। बैटरी है इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी दी गई है, तो अच्छा बैकअप है इसका। और ये मोबाइल है फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसके बॉक्स में आपको 10 वाट का चार्जर ही दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 18 वाट के चार्जर से कनेक्ट करके इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फास्ट चार्जिंग भी इसमें दी गई है। ऐप के अंदर है, मैंने काफ़ी ऐप जो इसमें आई थी प्री इंस्टॉल्ड आई थी, मैं उसको सभी को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मैं उनको अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। इसके बाद एडिशनल सेटिंग के अंदर, इसके अंदर आपको दो प्रकार के कीबोर्ड मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मेरे जी बोर्ड भी है, और इसके बाद में एक इमोजी कीबोर्ड है जो कि रेडमी की तरफ से दिया गया है, दो कीबोर्ड हैं तो जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं।